हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो यू एवरीवन विल बी फाइन. सो लेट अस डिस्कस टेंसेस. जैसा आप जानते हैं, टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर. तीन टेंस होते हैं और हर एक टेंस के चार पार्ट होते हैं. इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस. हर एक टेंस के चार पार्ट होते हैं, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, प्रेजेंट के चारों हैं, प्रेजेंट, इनडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह से पास्ट के, पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह से फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, आओ अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं टेंसेस को. सबसे पहले आज हमने डिस्कस करना है प्रेजेंट इंडेफिनेट. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जैसे सबसे पहले हमने देखना है, हिंदी में आपके सामने कोई वाक्य होगा तो वो जो वाक्य है वो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य किस टेंस में है, उसको देखना है सबसे पहले हमने. तो उसके लिए हमारे पास राम रामायण पढ़ता है, श्याम गीता पढ़ता है, ओके, सीता गाना गाती है, बच्चे खेलते हैं, ओके. तो सबसे पहले आपके सामने कोई वाक्य है, इस वाक्य को हमने देखना है कि ये वाक्य जो है किस टेंस में है, ठीक है. तो वाक्य के लास्ट में जाइए, राम रामायण पढ़ता है, लास्ट में जाइए, ता है, ती है, ते है. यानी इसकी पहचान क्या हुई प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हिंदी में? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हिंदी में पहचान हुई कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है. ये तो हिंदी में पहचान हुई. अब बात आती है कि वो वाक्य हिंदी में जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है उसको हमने किस तरह से ट्रांसलेट करना है, अब उसको देखेंगे हम. और यहां पर सबसे पहले जो जैसे वाक्य है ये अफर्मेटिव वाक्य है, ओके. तो अफर्मेटिव वाक्य जब होगा तो उसको ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो क्या तरीका रहेगा, हमने उसको देखना है. यहां पर इसका तरीका है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब,
इसके साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये तरीका रहेगा। ओके, अभी आगे देखने की बात क्या है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, कुछ वर्ब की फॉर्म लिख देता हूं मैं, ये याद करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो मींस जाना, गो वेंट गॉन, COME कम मींस आना, कम केम कम, राइट मींस लिखना, राइट रोट रिटन, ईट मींस खाना, ईट एट ईटन, रीड मींस पढ़ना, रीड रेड रेड। देखो यहां पर क्या है, जो रीड है ना, तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, लेकिन फर्क कहां है, इसको बोलेंगे रीड, फर्स्ट फॉर्म को बोलेंगे रीड, सेकंड को बोलेंगे रेड और थर्ड को बोलेंगे रेड। इस तरह से हमने पढ़ना है इनको। स्पेलिंग विल बी द सेम बट द प्रोनंसिएशन विल बी डिफरेंट। स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन इसका उच्चारण जो है वो बिल्कुल अलग रहेगा, इस बात को हमने ध्यान करना है। ओके, ड्रिंक मींस पीना, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, प्ले मींस खेलना, प्लेट प्लेट, स्लीप मींस सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट, वीप मींस रोना, वेप्ट वेप्ट, वॉश मींस धोना, वॉश्ड वॉश्ड। ओके, ये 10 वर्ब्स आपने इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए, इनको नोट्स बना लो। ओके, इनको लर्न करना है आपने, वर्ड मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए और इनके जो तीनों फॉर्म है वो भी, वो आपकी हेल्प करेंगी टेंसेस को सीखने में। ओके, नोट कर लेना इनको, ठीक है। अभी बात करते हैं हम ट्रांसलेशन की। हमने देखा ये सारे सेंटेंसेस, सभी वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, उसकी पहचान क्या थी, सेंटेंस के लास्ट में जाओ, देखो ता है, ती है, ते है, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में ता है, ते है, ती है आता हो, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अभी आगे हमने ये तो हिंदी में देखा, इसको ट्रांसलेट हम कैसे करें उसको देखेंगे। अब देखो उसका फार्मूला है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ SES आ भी सकता है और नहीं भी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES क्यों लगता है, इस बात को हम ध्यान से देखेंगे। ओके, ये सारा क्या है, जैसे नाउन क्या होता है, नाउन, जैसे नाउन है बॉय, अब ये सिंगुलर है, आपको तब पता है बॉय, बॉय में से एक लड़का, ये सिंगुलर है। अब ये जो नाउन है इसमें हमने एस जोड़ दिया और ये बॉयज हो गया, पहले ये क्या था, सिंगुलर, अब ये इसमें एस ऐड कर दिया, ये प्लूरल बन गया। इसका मतलब क्या है,
कि जो नाउन होता है उसमें जब हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन वर्ब की अगर हम बात करें, वर्ब में क्या होता है, जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म मीन्स ये सारी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, जो सारी फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म में होती है, नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है और वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। अब जब ये प्लूरल फॉर्म में है, यहां पर जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी सिंगुलर, ओके, ये सिंगुलर बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, जैसे हम गो को लेते हैं, कम, जैसे कम है ये क्या है, प्लूरल है। अब इसमें हमने एस ऐड कर दिया, कम्स हो गया, ये सिंगुलर बन गई। ओके, यानी एक बात ध्यान से याद रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म कहते हैं उसमें अगर हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में होती है। यानी ये नाउन का उल्टा है, नाउन में एस या एस जोड़ दिया वो प्लूरल बन जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ दिया वो सिंगुलर बन जाता है। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम एस या ई एस ऐड करके उसको सिंगुलर बना सकते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में कभी भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, ओके। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्लूरल फॉर्म में होती है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म किसी भी फॉर्म में सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में नहीं होती, ओके। तो अगर हमने सिंगुलर बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम सिंगुलर बना सकते हैं। गॉट इट एवरीवन, ओके। अभी देखो, राम रामायण पढ़ता है, राम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड। अब राम यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या नियम होता है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी एक वचन होगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी, वर्ब भी बहुवचन होगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है कि सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो वर्ब भी एक वचन होगी, सब्जेक्ट बहुवचन होगा यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है राम। अब रीड जो है, रीड द रामायण, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में होती है, पता है सबको, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, अब इसको हमने प्लूरल से सिंगुलर में ले जाना है, यस। अब वर्ब का सिंगुलर कैसे बनाते हैं, उसमें एस एस ऐड करके, तो आपने इसमें ऐड कर दिया एस, राम रीड्स द रामायण, ये बनेगा एग्जैक्ट इसका। गॉट इट एवरीवन, ओके। अब आगे देखो दूसरा, श्याम गीता पढ़ता है, श्याम रीड्स द गीता, श्याम सिंगुलर नंबर है, रीड्स ये भी सिंगुलर नंबर है। अगला, सीता गाना गाती है, सीता सिंग ए सॉन्ग, अब देखो सीता भी सिंगुलर नंबर है, अब सिंग क्या है, ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, एस ऐड करके, इसमें हमने एस ऐड कर दिया, सीता सिंग से सॉन्ग, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, अब देखो बच्चे क्या है, बच्चे प्लूरल है, मोर देन वन, एक से ज्यादा है ना, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, और वर्ब कैसी है, ये भी बहुवचन है, तो इसमें एस या ई एस ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये तो आपने देखा,
ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस डू एडज प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से होते हैं नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अब राम रामायण पढ़ता है, इसका नेगेटिव बनाएंगे राम रामायण नहीं पढ़ता है, ओके राम रामायण नहीं पढ़ता है। अब देखो बात है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू और डज में क्या फर्क है, मतलब डू और डज, देखो वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है डू, इसमें एस जोड़ दिया, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, इतना ही फर्क है। इसका मतलब क्या है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ डू वर्ब आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज आएगा, क्योंकि डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है, ये फर्क है दोनों में, ओके। अभी इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है राम, राम के साथ क्या आएगा डज नॉट, वर्ब क्या है इसमें पढ़ना रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड द रामायण, इसी तरह से श्याम गीता नहीं पढ़ता है, श्याम श्याम के साथ क्या आएगा डज नॉट रीड द गीता, ओके ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसी तरह से इसका ये आपका नेगेटिव हो गया, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब डू एडज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये रहता है। अब आप समझ गए होंगे डू और डज दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज। यस डू सिंपली डू इज प्लूरल नंबर हेयर एंड डज इज सिंगुलर नंबर हेयर, सो विद द सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है डज विल बी देयर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है डू विल बी देयर, यस। इसी को क्या राम रामायण पढ़ता है, देखो डज राम रीड द रामायण, डज राम रीड द रामायण, हो गया डन। इसी तरह से हम अगला बनाएंगे, क्या श्याम गीता पढ़ता है, डज श्याम रीड द गीता, हो गया ठीक है। कितने हो गए सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसके बाद एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओके। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर होगी डू या डज प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें वही है क्या राम रामायण नहीं पढ़ता है,
वही शुरू में डज राम नॉट रीड द रामायणा, डन हो गया। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। ओके, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चारों सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस आप बना के देखिए। ओके,